Assalamu alaikum everyone, welcome back my channel My Parrot Wi-Fi and me. Hello birds lover, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पैरट के फैदर झड़ रहे हैं, मतलब आपके पैरट को अगर फैदर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे आपके पैरट के बॉडी पर अगेन दोबारा फैदर्स आ जाए। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो पर एंड तक बने रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें ताकि ऐसी ही न्यू और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम बहुत सारे व्यूवर्स की ये कंप्लेंट है कि उनके पैरट के बॉडी से फैदर्स बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपके पैरट के बॉडी के फेदर्स टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हमें घर पे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पैरट का फेदर किन किन रीजन से लॉस होता है, झड़ता है। तो फर्स्ट ये है कि पैरट फेदर प्लकिंग इशू। पैरट अपने फेदर्स को खुजला खुजला कर गिरा देता है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं कि पैरट को सच में खुजली हो रही है या फिर पैरट को उसके ही फैदर का टेस्ट लग गया है। तो आपका पैरट फैदर्स ना तोड़े, उसको उखाड़ के ना फेंके, उसको ज़्यादा ना खुजलाए, इसलिए एक सॉल्यूशन ये है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने पैरट को बिजी रखना है। तो आप बोलोगे कि बिजी कैसे रखना है, आपको बिजी ऐसे रखना है, आपको पैरट को नीम की टहनी देनी है, पैरट उसको चबाने में बिजी रहेगा। नेक्स्ट, पैरट को खेलने के लिए बर्ड टॉयज दीजिए जो आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, उसमें भी आपका पैरट बिजी रहेगा। जो कोन होते हैं, बुट्ठा, बुट्ठे के अंदर का जो हिस्सा होता है कड़क वाला, वो आपको फेंकना नहीं है, वो अपने पैरट को देना है, पैरट उसमें भी बिजी रहता है। या फिर हो गया खजूर की बीज, तो आप खजूर की बीज भी उसको दे सकते हो, उसमें भी वो चबाने में बिजी रहेगा। कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ दीजिए जिससे उसको नुकसान भी नहीं है होगा और वो उसमें बिजी भी रहेगा। कि आपको अपने पैरट को कैसे ना कैसे बिजी रखना है ताकि वो उसमें बिजी रहेगा और अपने फैदर्स को खुजलाएगा नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर पैरट को सच में खुजली हो रही है तो आपको क्या करना है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। आपको करना ये है कि आपको जो नीम की पत्तियाँ होती है, नीम की पत्तियों को कलेक्ट करना है और उसको पानी में, आपको नीम की पत्तियाँ पानी में डाल के बॉयल करनी है और वो बॉयल पानी को वार्म वाटर होने देना है, यानी हल्का नीम पानी ठंडा करना है उसको, और फिर उसके बाद उससे पैरेट को स्प्रे करते हुए शावर करना है, स्प्रे करके ही शावर करना है। नेक्स्ट, आप ये भी कर सकते हैं कि आपके गार्डन में जो एलोवेरा होते हैं, तो आपको एलोवेरा काट कर उसका जेल निकाल लेना है और जहाँ जहाँ पर आपके पैरेट का फैदर निकल रहा है वहाँ पे हल्के हाथ से एलोवेरा जेल से मसाज करना है, और आपको ऐसे ही वीक में एक से दो बार उसको नीम के पत्तों से शावर करनी है और आपको एलोवेरा जेल से एटलीस्ट डेढ़ दो महीने तक मसाज करनी है, फिर आप देखोगे रिजल्ट, आपके पैरट का फेदर लॉस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही ये दोनों नेचुरल रेमेडी है और एलोवेरा जेल जो है वो फैदर्स को रीग्रो करने में काफ़ी हद तक मदद भी करता है। ये है फैदर फॉलिंग इशू, जिसमें पैरट का फैदर येल्लो होने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो खुद टूटकर गिर जाते हैं। इसलिए जब पैरट का मोल्डिंग पीरियड चल रहा होता है उसमें सारे ओल्ड फैदर गिर जाते हैं और उसकी जगह न्यू फैदर आ जाते हैं, न्यू फैदर ग्रो हो जाते हैं ओल्ड फैदर गिरने के बाद, इसी को मोल्डिंग पीरियड बोला जाता है। और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, जो पैरट वाइल्ड में होते हैं उनके साथ भी होता है और जो हमारे घर में है उनके साथ भी होता है, तो ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है। जब पैरट की मोल्डिंग चालू होती है तब बिल्कुल भी डरने और घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको इतना करना है, जब पैरट का मोल्डिंग पीरियड चालू होता है तब उसको अच्छी डाइट देना पड़ती है, एक अच्छी डाइट आपको मेंटेन रखना पड़ेगी उस टाइम पे, तो उसके जो न्यू फैदर ग्रो हो रहे हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाए। और मोल्डिंग जो है वो हर पैरट या बर्ड के साथ साल में एक बार होता है। पॉइंट नंबर 3 है पैरट फैदर डिसीज़। अगर पैरट को कोई फैदर डिसीज़ हुआ है, जब पैरट को फैदर डिसीज़ होता है तो आप देखोगे कि उसका मतलब फैदर में रेड कलर या ब्लैक कलर ऐसा आने लग जाता है,
ऐसा होने के 4 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नेक्स्ट है माइट्स, अनहेल्दी फूड, हाइजीनिक प्लेस, ये रीजंस हो सकते हैं। तो इन सब में भी आपको क्या करना है, पैरेट को नीम के पत्ते हैं उस वाटर से शावर देनी है, बाथ देना है। यहाँ पर भी यही चीज करनी है, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो सेम करना है आपको, एलोवेरा जेल से मसाज करना है। दूसरी चीज, पैरेट को हमेशा साफ सुथरी जगह पे ही रखना है, उसके केज को डेली नहीं तो एक दिन गैप करके जरूर वॉश करना है। साथ ही अपने पैरेट को आप जहाँ भी रख रहे हो उस प्लेस पे गंदगी नहीं होने देनी है, ऑलवेज उसको क्लीन रखना है, उसकी वेस्ट ट्रे को डेली साफ करना है। इसके अलावा मैं आपको एक मेडिसिन बता रही हूँ, वाइलमल सिरप, आपको इसके डोज देने हैं, 2 ड्रॉप दिन में एक बार देना है आपको। और फैदर की प्रॉब्लम है तो आपको ये कंटिन्यू 2 मंथ तक अपने पैरेट को देनी है। और कभी भी अपने पैरेट को घर का पका हुआ दाल चावल नहीं देना है, दूध रोटी, रोटी सब्जी, ये कुछ भी अपने पैरेट को नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अपने पैरेट को घर का पका हुआ खाना देते हो तो भी उसको फैदर का प्रॉब्लम होता है, या फिर उसके फैदर जो है वो येल्लो हो जाते हैं और फिर झड़ना स्टार्ट होते हैं। तो आपको घर का पका हुआ खाना बिल्कुल भी अपने पैरेट को नहीं देना है, ऑलवेज नेचुरल फूड ही देना है। पैरेट के फैदर तेजी से और अच्छे से ग्रो होने के लिए मैं आपको कुछ फूड बता देती हूँ, वेजिटेबल्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले आता है कैरेट एंड बीट रूट, ये खाने से पैरेट का फैदर क्वालिटी इम्प्रूव होता है। और इसके अलावा आपको प्रोटीन बेस्ड फूड देना है, जैसे काला चना और मूंग, इसका स्प्राउट्स पैरेट को मॉर्निंग टाइम पे दीजिए, ये पैरेट के फैदर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय कल्याण एवरीवन।